तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, एफटीएक्स का ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कल तक उन लोगों ने बैंकरप्टसी डिक्लेयर की थी, तो भैया लगातार ठीक है, अब टेंशन खत्म। अब जिसका पैसा जाना था वो गया, अब चीजें जो है वो धीरे धीरे बैंकरप्टसी होगी क्लियर, फिर लोगों का पैसा निकलेगा और वापस दिया जाएगा। बट नहीं, ये तमाशा और आगे बढ़ गया। और मेरे भाई, एक तो ये बंदा भागने की कोशिश कर रहा था, तो इसको अभी बहामास में पकड़ा गया है ताकि ये दुबई ना भाग सके। उसके बाद एफटीएक्स पे जो है वो हैक हुआ है, ऑलमोस्ट 600 मिलियन डॉलर्स के एसेट्स जो है वो हैक कर लिए गए हैं। और ये क्रैकन के थ्रू जो है वो किए जा रहे थे, हैक करने के बाद क्रैकन में वॉलेट में मूव किए गए ताकि वहां बेचे जाए। और क्रैकन पे उस बंदे की आइडेंटिटी ढूंढ ली गई है कि कौन है जो ये हैक कर रहा था। ओके, सो अगर तुम उनकी अपडेट देखोगे यहाँ पे, तो भैया ये क्या कह रहा है कि शायद जो है वो एफटीएक्स ऑफिशियल और एसबीएफ एफटीएक्स, वो लोग जो है वो अपना वेरीफाइड क्रैकन अकाउंट यूज कर रहे हैं कुछ, तो वो ट्रॉन वॉलेट के थ्रू शायद उनको जो फंड्स वापस करने थे यूजर्स के वो। अब ये कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ओके, वो स्टिल अभी देखा जा रहा है। बट ठीक है भैया, फंड्स अभी जो है वो क्रैकन पे पड़े, सो एटलीस्ट वहां से अभी तक कोई लेके भागा नहीं है, सो वो एक अच्छी बात है। बट यार, ये चीजें खत्म ही नहीं हो रही, और इसी की वजह से तुम अगर देखोगे तो आज भी मार्केट जो है वो बुरी तरह पिटा। ओके, इनफैक्ट हम लोग आज 1% डाउन है, 850 बिलियन डॉलर्स के नीचे। बिटकॉइन ने कुछ भी नहीं किया है, वीकली कैंडल स्टिल वैसी है, डेली कैंडल अगर हम लोग देखें तो कुछ भी नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे। ओके, अगेन, इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। देखो, जब तक ये महीना क्लोज नहीं होता तब तक हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। ओके, अभी हम लोग चाहे 17,000 डॉलर्स के आसपास ही है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को महीना 19,500 डॉलर्स के ऊपर क्लोज करना है। ओके, और अब धीरे धीरे बाकी लोग भी सामने आ रहे हैं। सो अगर अब तुम देखोगे तो ये गैलोयस कैपिटल, इन लोगों ने भी बोला कि भैया हमारे ढेर सारे फंड्स जो थे वो अटके हुए थे एफटीएक्स पे, और अब तो भैया जो अटक गए वो अटक गए। आज I'm so sorry यार, ये वीकेंड पे ऐसा ही होता है। ओके, तो उसके बाद जो मैं बोल रहा था कि वो माइक ओलेरी, उन्होंने भी एफटीएक्स में ढेर सारे पैसे डाले थे, तो आज वो भी बाहर आए। उन्होंने भी बोला कि भैया ठीक है, सारी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो सही नहीं होती, कुछ इन्वेस्टमेंट्स बुरी भी होती है, बट यू हैव टू मेक श्योर उनसे सीखो, और जो तुम्हारे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स है वो ज्यादा होने चाहिए और बुरे कम होने चाहिए। तो वैसा ही मैंने तुम्हें कल भी बोला, ठीक है, तुमने अगर एफटीएक्स में पैसा डाला था, लगाया था, ये रखा था, वो सारा पैसा नहीं होना चाहिए, और अगर था तो उससे सीखो, मार्केट को छोड़ के मत भागो। इनफैक्ट उससे सीख के और अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, और फुल पहले थोड़ा एनालिसिस और ज्यादा करो। पर अगेन, ये यार देखो, लूना का क्रैश, ओके, एफटीएक्स का ये क्रैश, ये सब चीजें ऐसी हैं जो तुम पता लगा ही नहीं सकते हो जब तक वो चीजें बाहर नहीं आती। तुम क्या कैसे रिसर्च करोगे, क्या पता करोगे? अब एफटीएक्स डेली का भैया बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू था उनका, डेली का इतना ट्रेडिंग था उनके वहां, इतने लोग वो वेबसाइट को यूज कर रहे थे, यूएस गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी कि भैया ये एक्सचेंज बहुत अच्छी है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर्स, सेलिब्रिटीज, सब लोग इन्वॉल्व थे कि भैया ये चीज अच्छी, सबने पैसा डाला, और एट द एंड ऑफ द डे डूबा तो डूबा, किस्मत किस्मत है। बट वही है कि जब तुम्हें इनिशियल वार्निंग्स मिलते हैं, अगर सीजी वो टोकन बेच रहा है तो वो एक समझदारी, मतलब एक इंडिकेशन था कि भैया वो बेच के निकल जाओ। ओके, अब वहां ऐसा हुआ कि उसने ट्वीट किए आके कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, बट मैं वही कहता हूँ कि जहां थोड़े शक की सुई भी आए ना, लॉस लोअर लॉस लेके निकल जाओ। फिलहाल बेचने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, अब फिलहाल बेचने की जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी देखो वो टोकन बुरी तरह गिर चुका है, ओके, यहां से नीचे जाने के लिए उसके पास कोई जगह ही नहीं है, मतलब जहां से वो शुरू हुआ था उतना ही उसने 100% रिटर्न्स जो है वो वापस कर दिए, जहां से शुरू हुआ था वहां वापस। ओके, तो अब यहां से नीचे क्या जाएगा यार? ओके, सो अगेन मैं वही कहूंगा कि होल्ड करके रखो, देखो अगर इन केस कुछ एक आधा पंप आए 10 डॉलर्स तक तो भैया बेच के निकल जाओ, नहीं आता है तो ठीक है यार, अब जो गया वो गया। ओके, अब इस बहती गंगा में पीटर शेफ ने भी हाथ धो लिए कि यार बिटकॉइन वापस कभी भी 70,000 नहीं देखेगा, और ये आदमी सच में सठिया चुका है, तो इसके बारे में बात करके भी कोई फायदा नहीं है। बाकी एक्सचेंजेस भी अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स दे रहे हैं, सो होपफुली होपफुली चीजें अभी थोड़ी और क्लियर हो, सो हम लोग देख सकते हैं बिनेंस, ओकेएक्स, कुकॉइन,
crypto.com, अब बिटफिनिक्स, तो सब बड़े एक्सचेंजेस जो है वो बाहर आके बता रहे कि उनके पास कितना पैसा है कितना नहीं। और अगर देखा जाए तो यार देखो ढेर सारे ब्लैक स्वैन इवेंट्स आए थे, ढेर सारे क्रैशेस थे, बट बिटकॉइन एट दी एंड ऑफ द डे वापस ऊपर ही गया। माउंट गॉक्स, बिटफिनिक्स, कोविड, FTX, बट धीरे धीरे बिटकॉइन फिर रिकवर होगा, फिर अपने पैरों पे खड़ा होगा और हम फिर वापस सॉलिड मूव्स देखेंगे। माइकल सेलर पीछे नहीं हट रहा है, राइट? इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन नहीं बेच रहे हैं, बैंक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग लेके आ रहे हैं। सो अपने पास चीजें बहुत अच्छी है, ओके? और अगेन ये एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस टोकन के लिए नहीं, ओके? सो बिल्कुल भी ऐसा मत समझना, बट ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सो मैं वही कहूंगा कि यार मेक श्योर इस अपॉर्चुनिटी को गवाना मत, ओके? डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, बाय कर रहे हो तो बाय करो, बट बिल्कुल भी यहाँ से पीछे मत हटो। और तुम देख सकते हो ढेर सारे टोकन्स हैं जो अच्छे खासे फिलहाल बाइंग जोन में हैं। XRP केस जीतेगा तो सॉलिड मूव, कार्डानो, मैटिक 1 डॉलर के नीचे, थोड़ा और वेट करना, शायद तुमको ये 80 सेंट्स के आसपास मिल जाए तो ओके। पोलका डॉट बहुत जबरदस्त, सोलाना स्टिल मुझे अच्छा लगता है, बट अगेन जब तक, मैं वही कह रहा हूँ, देखो इनिशियल वार्निंग, तुम्हें FTX से वार्निंग मिली, तुम्हें पता है ठीक है टोकन के फंडामेंटल्स अच्छे, मैंने कल ही बोला टोकन के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, टोकन का उससे एग्जैक्टली कुछ लेना देना नहीं था। अब ये है कि वो एक बड़ा इन्वेस्टर था, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई दूसरा इन्वेस्टर मिलेगा ही मिलेगा, ओके? बट अगर ये 13 डॉलर्स के नीचे जाता है तो तुम्हें बिल्कुल दोबारा मुड़ के नहीं देखना है, बेच दो, क्योंकि तुम उसे 4 डॉलर्स पे बाय कर सकते हो। तुमने महंगा बाय किया है, लॉस होगा, बट मेरे भाई वो तुम यहाँ सस्ते में जब बाय करोगे तो रिकवर हो जाएगा, ओके? सो तुम्हें बिल्कुल भी होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है, ओके? बट बाकी प्रोजेक्ट्स, ट्रॉन मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, लाइट कॉइन ठीक है, एवलॉन्च, अब इसकी भी पिटाई हुई क्योंकि भैया अब इसका भी FTX के साथ थोड़ा बहुत लेना देना था। सो एटम, चेन लिंक, XLM, ओके, एल्गोरैंड, नियर की भी पिटाई हुई क्योंकि इनका भी उनके साथ टाई अप था, बट अगेन मैं वही कह रहा हूँ, देखो ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ये रिकवर करेंगे धीरे धीरे, ओके? अगर ये टोकन स्टिल बैठा है टॉप 50 टोकन्स में, तो तुम समझ सकते हो कि भैया पैसा उन टोकन्स में भी वापस से आएगा ही, ओके? ओवरऑल स्टिल हम लोग वेट ही करेंगे, कोई यहाँ पे मूव नहीं, वेट करो, रुको, देखो कैंडल कैसी क्लोज होती है। सो आज आखिरी दिन है वीकेंड का, बट हम लोगों को मंथली कैंडल देखनी है। अगर हम लोग सब कुछ बुला के मंथ के लास्ट वीक में भी एक अच्छा मूव दिखाए और वापस 19,500-600 के पास चले जाते हैं, तो उससे परफेक्ट और कुछ भी नहीं हो सकता, ओके? तो चलिए बिल्कुल, मैं अगेन वही कहूंगा कि डरिए मत, ओके? ये चीजें रिकवर होंगी ही होंगी, धीरे धीरे बिटकॉइन बैक टू ट्रैक होगा, सो हम लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ओके? चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तों, थैंक यू सो मच।